ണമിയോണജിണം വീരം അനന്തവർണാണ ദംശന സഹാവം ഗോച്ഛാമിനിയം സാരം കേവലി സുദ് കേവലി വണിത बाजार में 50 रुपए का भी मोबाइल आता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन उससे बात नहीं होती। देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा मारुति कार मिल जाएगी 5 रुपया में, समझ गए होंगे सारा। ऐसे अज्ञानियों का ब्रह्मचर्य मारुति कार है, खिलौना है। आत्मा के ज्ञान बिना, आत्मा को जाने बिना समस्त आचरण खिलौना है, किसी काम का नहीं। कहने का मतलब किसी काम का नहीं। जैसे मिथ्या दृष्टि का ब्रह्मचर्य ऊपर से दिखाई तो देता है, ऐसे वो मोबाइल दिखाई तो देता है, वो कार दिखाई तो देती हो जो काम नहीं आती हो। ऐसे ही जैन शासन में मिथ्या दृष्टि के अणुव्रत आदि महाव्रत आदि लिखा है भैया, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में लिखा है। ऐसा है जैसे मृतक कलेवर का श्रृंगार, मरने के बाद एक सुंदर स्त्री को नहलाया भी जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, स्वागन हुए तो आभूषण पहनाए जाते हैं, सिर में सिंदूर भरा जाता है, बढ़िया एक तिलक लगाया जाता है, टीकी लगाई जाती है, और अरबपति आदमी हो तो पूरे 16 श्रृंगार करके मैंने पूरे आभूषण बनाए जाते हैं। लेकिन मृतक कलेवर का श्रृंगार है, वो काम कुछ नहीं आता। देखने वालों को शोक संताप उत्पन्न होता है। ध्यान रखो, आपको देख करके यदि समाज में शोक संताप होता है तो कहीं आप मृतक कलेवर की श्रृंगार तो नहीं है। पंडित साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, अज्ञानी जहां जाता है वहीं भार है, और ज्ञानी जहां भी जाते हैं वहां का भार उठाते हैं। ज्ञानी 3 लोग का भार उठाने में समर्थ होते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है, लोग कहते हम ये का भार नहीं उठा सकते, हम एक अज्ञानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक बालक को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्ञानी 3 लोग का भार वहन करते हैं, अज्ञानी स्वयं ही भार है। क्या कहें, समाज पर भार है सो तो ठीक ही है, लेकिन वो स्वयं ही स्वयं पर भार हो जाता है। अब हमने ले नहीं पड़ते ज्ञान तो छोड़ तो सकते नहीं है। अब हम भैया मरते दम तक तो चाय कैसे ही बने, ले जाए ले जाए मैंने ढोरा विचार और क्या कर रहे। इसलिए सम्यक दर्शन की कीमत है। सम्यक दर्शन माने ये जो कल्पना चलती है वो आत्मानुभूति उतनी सी नहीं थी, भय भी है लेकिन वो न्याय शास्त्र की सूक्ष्म चर्चा है, वो आत्मानुभूति, लेकिन कोरी आत्मानुभूति नहीं है। सम्यक दर्शन माने अखिल विश्व के प्रति एक सुंदर दृष्टिकोण, एक निर्मल दृष्टिकोण, उदार दृष्टिकोण। सारा विश्व निर्दोष दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? सारा विश्व निर्दोष दिखाई देता है तब ब्रह्मचर्य होता है। क्या मतलब? तब आनंद होता है। ब्रह्मचर्य होता है मैंने आनंद होता है। किसा विश्व का लेना देना, हम सभी निर्दोष देखें। फिर सुन लेना अच्छी तरह से, जिन लोगों के पास ये लिस्ट है, जी खराब आदमी है, जी खराब आदमी है, जी विरोधी पार्टी के आदमी है, जी जी बिल्कुल जी जी हिंदुओं के खिलाफ है, जैनों के खिलाफ है, और जी ऐसे हैं, और इनको तो बदला लेना चाहिए और नरक तक पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कितने लोगों के बारे में संकल्प कर रहे। हमें एक आध आदमी बताना जिसका हमें बहुत बदला लेना चाहिए।
कर्म ही जिससे बदला ले रहे हो, कर्म ही जिन्हें दंड दे रहे हो, उन विचारों को दंड देने के नाम सोचिए तुम दंड क्यों होती हो? कुछ क्या कहे हम? क्या कहा? उन्हें दंड देने के नाम पर तुम दंड क्यों होती? आपको पता है कृत कार्य अनुबोधना, ये अनुबोधना का कष्ट है। सल्ले माने पीड़ा, सल्ले माने दुख। जहां सल्ले है वहां ब्रह्मचर्य नहीं, जहां ब्रह्मचर्य है वहां सल्ले नहीं। हमें मालूम है हम दुखी तो रह सकते हैं, लेकिन सल्ले मिटाने के लिए विशेषज्ञ का आश्रय नहीं करना चाहिए। अपनी डेढ़ बुद्धि से ही अटकल पच्चू पढ़ लिया, अटकल पच्चू व्रत उपवास ले लिए, अटकल पच्चू नियम ले लिए, और यदि किसी ने कहा जी नियम मत ले, तो ऐसा लगता है जी हमारा अपमान कर रहे हैं, दीनता करा रहे हैं, हमें कुछ समझत नहीं, हम करके दिखा देंगे। ले लेने दी तो बहुत बढ़िया। बस देखो समझो, समझे ने सूक्ष्म बात है। टोडो मजी साहब ने लिखा है कि जब हम मैं घटा के बता रहा हूं, उन्होंने तो लिखा है विषयों में सुख लगता तो है। क्या लिखा है? लगता तो है। ऐसे ऐसे मकान थोड़ी बोला, मकान बनवा तो इतना मजा आया, हाँ मकान बन गया। घर में जब बालक का जन्म होता है ऐसा लगता है हाँ आनंद आ गया, भोजन करते थे ऐसा लगता है हाँ आनंद आ रहा है, लगता तो है आनंद, ऐसा कैसे नहीं रहे। ऐसी मिथ्या दृष्टि को व्रत उपवास करने पर आनंद लगता तो है। मैं उनका उनकी दृष्टांत को यहां घटा रहे, मिथ्या दृष्टि ने भी ये कल्पना कर ली कि हम उपवास कर ले, सो उपवास कर लिया खुश हो जाता है। आपने ही कल्पना की थी और उस कल्पना की पूर्ति पर आप ही प्रसन्न होता है। मार्ग तो ऐसा है नहीं, समझो फिर से समझो। ज्ञानी को व्रत उपवास नियम संयम का बिल्कुल आनंद नहीं आता, उसे केवल एक आत्मानंद बरतता है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। फिर कह रहे ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म मतलब अब कैसे समझाए इस बात को। तुमने 10 दिन की उपवास करी तो तुम बड़ो आनंद था, इस बार तो बहुत अच्छे से होगा, पेट में दुख हो भी नहीं, सिर में चक्कर भी नहीं आए। और वो पहले हमें वो हो जाती थी, क्या कहलाती थी वो, एसिडिटी, बहुत खट्टी खट्टी पित्त भड़क जाती थी, इस बार तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हो गए। सही बात है भैया, भक्ति में भी शक्ति है, तो संकल्प कर लिए तो फिर सब बल आ जाए। हम फिर कह रहे ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। तुम ये बताओ कि 10 दिन के अंदर मैं गया हूं, ये आनंद कितना आया। विश्व में कोई मेरा अहित करने वाला नहीं दिखाई देता, इस बात का आनंद कितनी बार आया। जगह से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, जगह से हमें कुछ नहीं चाहिए, इस बात का आनंद कितनी बार आया, ये तो बताओ। क्या बताएं, वो तो हम सेहत लेते भैया, जैसे हैं 10 दिन कट जाए, हम सह रहे, अब क्या करें। कभी कर्मों के उदय के मारे हमारी चलत तो है नहीं। सुना जी ब्रह्मचर्य नहीं है, नहीं है ये ब्रह्मचर्य नहीं है, ये अनंत दुख है भैया। क्या कह रहे आप ही कल्पना करता था, जैसे भोगों में आप ही कल्पना करता था, आप ही सुखी हो जाता है। ऐसे आप ही जिस हाथ पूरा कर ले समय सार बस, और खेच खेच खेच, और 2 महीना में पूरा कर लो। जिस दिन पूरा होता बाद में बहुत आनंद आता है, देख लेना सभी लोग, जिस दिन आपका ग्रंथ पूरा होता है उस दिन बहुत आनंद आता है। तो हमें ये बताओ कि ग्रंथ का मर्म समझ में आता है, इसका आनंद आता है। चलो एक ग्रंथ से छुट्टी भाई जो पूरा होगा, अब देखा देखा दिन आराम कर ले, फिर दूसरा ग्रंथ पकड़े। मैं आनंद का आता है ब्रह्मचर्य, आत्मा की निर्दोषता का आनंद। सुनाओ दूसरों को दोषी देखना अपने को व्यर्थ में चलाना है। सल की बात चल रही है, सल आपका एक काम करो, दूसरों दोस्त के बारे में विचार करो। आप देखो 1 घंटा आप खेल नहीं पाओगे, आप प्रसन्न नहीं हो पाओगे। जी सोचते रहे यहाँ से हम क्या बताएं, और 2 दिन देख रहे हम तो भैया, जिन चूल्हे छोड़ भाड़ में जाए, कसा करे संदर्क में जाए, हम कहा करें। नहीं है बहुत बुरे आदमी, ऐसे होने चाहिए आगे बढ़ती बता, ऐसे होने चाहिए समाज के लोग, ऐसे होने चाहिए दुनिया वालों को। जवान तुम्हारे विचार करने से उनमें तो कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, ना तो उनका भला ही हुआ और ना उनका बुरा ही हुआ, लेकिन सल के कारण
क्या क्या कह रहे साले के कारण तुम भोगट में दोगी। इसलिए हम कहते हैं विश्व सारा निर्दोष दिखाई देगा तो तुम्हें आनंद आएगा, इसका नाम ब्रह्मचर्य। सोचो तो सारा कितनी सुंदर दुनिया है, सभी भगवान आत्मा है, सभी समय से मोक्ष जा रहे हैं। देखो तुमको लगता जरूर होगा, हम तो समझाने की सहेली व्यवहार नहीं की, इसलिए हम आपसे इतनी बातें करते हैं। हमसे पूछो तो मुझे एक दिन की टेंशन अभी तक तो उत्पन्न हुई नहीं कि नींद नहीं आई हुई, और न ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में तू आराम से सो रहा है। टेंशन के लायक विश्व नहीं है, विश्व के स्वरूप को जानने के बाद टेंशन नहीं रहती। देखो बोलो भैया, अभी धर्म का माहौल खराब है कि अच्छा है चौथे काल की तुलना में? बोलो रूपेश, चौथे काल की तुलना में पंचम काल का माहौल खराब है कि अच्छा है? बताओ, है हमारे लिए अच्छा है। हमें लॉजिक बता, लॉजिक बता। चलो जब 170 तीर्थंकर थे तब भी 608 जीवी मोक्ष जाने थे, आज एक भी तीर्थंकर यहाँ नहीं है, 20 तीर्थंकर हैं। मैंने 170 तीर्थंकर नहीं है, 20 हैं, तो अभी 608 ही जा रहे। बता, जब आदिनाथ भगवान को समोसरण लगा था तो कितना बड़ा लगा था? 84 को कितने लगा योजन? 12 योजन, 12 योजन का लगा था, फिर वो आधा आधा योजन कम होता चला गया, अब 12 योजन का लगा तब भी 608 ही जा रहे थे। और आज मेरे ख्याल से आधा कोस आधा योजन या एक योजन कितना लगा? एक योजन। आखिरी महावीर भगवान का समोसरण एक योजन का लगा, तो अभी 608 जी मोक्ष जा रहे। तुम क्या सोचते हो यदि ये पूरा खनिया दाना बिगड़ जाए ना तो अभी एक जीव सम्यक दृष्टि कम ना हुई? पूरा मध्य प्रदेश बिगड़ जाए तो अभी एक सम्यक दृष्टि कम ना हुई? का कोई टेंशन कर रही सच कह रहे, ऐसा आनंद आता है देख करके। किसकी वाणी निमित्त बनेगी, किसको निमित्त बनेगी, कौन जीव लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगी? अपन ठेकेदारी मत ले, हम सच में इसलिए पूरे इंडिया में घूम घूम के बहुत प्रसन्न होते, क्यों कि जगह जगह हमें मालूम पड़ता है किसके निमित्त से कौन जाग गया। सब हमसे जगेंगे, हमारी ठेकेदारी नहीं है। कब जगेंगे ये हमारी ठेकेदारी नहीं है, तो फिर आप जाते ही गायक हो? सही बात बताएं, सब में दर्शन देवे नहीं जाते। हमारे निमित्त ज्ञानी ये कहते हैं तुम्हारे पैर में भौरी है। भौरी है क्या कह रहे? हमारे दो ही पैरों में चक्र हैं, अब हम क्या करें बता? हम बैठ ही नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते। हम जब कॉलेज में नौकरी कर रहे थे तब नहीं रुक पा रहे थे। कॉलेज में नौकरी करने में जब छुट्टी मिलती थी तो विधि से नहीं आती थी उस समय, तुम्हें मालूम है? विधि से नहीं आती थी, हम तीर्थ में चले जाते थे। हम दो चार आदमी बस तीर्थ में चले जाते थे। वहां एकांत वास में रहते थे, खूब स्वाध्याय करते, खूब चर्चा वार्ता करते थे। भौरी है, हम क्या करेंगे? मैंने जब कहने का मतलब हमें मालूम है, यो है वो। जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, तो हमारी एक मित्र ने हमारा हाथ देखा, ऐसे ही एक ऐसे हाथ है, तो देख के इतना खुश हुआ, बोले तुम्हारे हाथ में तो बहुत गुरुता है, तुम्हारा बहुत प्रभाव होगा। मैं हो मजाक कर रहा हूं कैसी नहीं, तो मैंने तुम कैसे कह रहे? तो बोले जी तुम्हारा जो पर्वत है ना, जो गुरु पर्वत किसी के पास नहीं बताया था। मैंने ऐसी ऐसी बात ही बात है। फिर उसने दो चारों के हाथ दिखाए, मैंने लक्षण दिखाए। कहने का मतलब है कि उसी दिन मैंने भेद विज्ञान किया था, उसी दिन कि आप यदि प्रभाव होगा तो इसका होगा, हमारा नहीं होगा। हमारा तो ज्ञाता दृष्टा है, अपना कच्ची नहीं, अपन ज्ञाता ही दृष्टा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम कॉपी मत बनाओ, तुम कॉपी नहीं कर पाओ। हाँ, भगवान आत्मा को देख देख के आनंद कर सकते हो, खूब कराओ खूब। है ये हो गया, हम करें क्या? हमारा मतलब है कि इन चक्करों मत पड़ो। मैं ये देखता हूँ जो कभी कहीं नहीं घूम पाते वे हमें देख देख के ईर्ष्या करते होंगे, पंडित जी तो सब जगह घूम रहे, खूब मजा कर रहे, खूब कारण मिल रही, खूब हाथ जोड़े जा रहे, पंडित जी के खूब मजा भैया, उनकी इतनी सीढ़ी बन गई और पूरे हिन्दुस्तान में और देश विदेश में चल गई, और हमें कब लेना देना नहीं। और मान लो हम
उन्हें देख के सोच रहे, देखो इन्हें कितनी स्थिरता है, हम उन्हें देख रहे भी हमें देख रहे। लेकिन जब से वेद विज्ञान उपजा है बड़ा आनंद है। देखो हमें तो सही बात बताएं, अपने आनंद के लिए घूम रहे बस। सो भी सहज योग। अगली बात समझ, मेरा मतलब तो ये स्पष्ट कहने की मतलब है कि तुम आत्मा को देखो, आत्मा का आनंद नहीं करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और हम ही निमित्त बने, हमसे ही निमित्त हो, हमसे काम हुए, हम भी ऐसी कर ले, हम भी सबको समझना, चक्कर मत पड़ा। देखो जब हमने समझाने की कोशिश करी तो हम एक आदमी को नहीं समझा पाए, और जब हमने समझाने की कोशिश करी तो बहुत समझ गए। बिल्कुल जब हमने बिल्कुल प्लान नहीं बनाया था तब जीव जोड़ते चले गए, और जब प्लान बनाने लगे ना, जैसे ही बैठ कर एक बार मीटिंग करी कि देखो एक काम करें, अपन सब ट्रोड हो गए, अब अपन सब मिलकर ऐसे करेंगे, इतने ब्रह्मचारी और जुड़ेंगे, उन्हें ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, भाई दिन बिखर गए हम सब लोग। और फिर अभी इस बार कोई ऐसा कोई भाव नहीं था, ऐसे सहज भाव आया, क्यों एक दो जन इधर उधर थे, अब कहां जाए कहां जाए, तब ये एक काम करो, इधर ही आ जाओ, अपन स्वाध्याय करेंगे, चर्चा करेंगे, ब्रह्मचर्य गोष्ठी करेंगे। तो धीरे धीरे बात फैल गई, बस खत्म, अब सहयोग बन गया। मैंने जिसको समझाने की कोशिश करी, ये मैंने जब अपन प्लान करते हैं, जब जब मैं सोचता हूँ प्लान बना करके प्रभाव ना करें, बस बड़ी दिन फैल हो जाते। और जैसे सोचे पानी तरह बह, चलो कोई बुलाए तो चले जाओ, नहीं बुलाए तो शांति से बैठो, तो रोके नहीं रोक रहे। मेरा मतलब ये, इसका मतलब है कि सदगुरु कहें फिर कह रहे। देखो आप लोग भले ही सोचते हो कि मार्ग व्यवहार में हमें इतनी आपकी कमियां बतानी पड़ती होंगी या ये मार्ग बताना पड़ता है, लेकिन हृदय से पूछा हो तो इतना मन प्रसन्न रहता है, हो अनंत पापों में से छोड़ गए ये युवक, ये युवती, ये इंटेलिजेंट लोग, ये अपने करोड़ों रुपए का व्यापार छोड़ गए, धन दौलत इज्जत आबरू भोजन खान पान कहां कहां अपनी सुख सुविधा छोड़ गया, काहे गुरु आ गए भैया। ये तो मैं क्या कहूं, एक सगा पुत्र नहीं मिलता बाप को करोड़ों रुपए देकर गए। बोला इतने विश्वसनीय भाई बहन बड़ी आशा से आ गए, अरे ये कितना पुण्य का उदय होगा, चक्रवर्ती ज्यादा पुण्य का उदय। तो हम तो आपसे सुनाएंगे बस प्रेम से, और क्या करेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे किसी से, अपेक्षा नहीं है, खूब सुनाएंगे, सुन लियो तुम्हारा योग है, तुम समझ जाओ, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाओ, नहीं बढ़ पाओ तो अभी हमने एक दिन भी कही थी रात फिर कह रहे, तुम अनंत गुणे पवित्र भगवान आत्मा हो, विश्व के अनंत दोष भी तुमसे हो जाए तो भी वे भगवान आत्मा के सामने अनंत वे भाग है। और तुम कहो तो अभी हिसाब समझा दे, बोलो आपको पता है द्रव कर्म की सत्ता आत्मा की सत्ता में नहीं, और भाव कर्म की सत्ता भूतकाल की है नहीं, भविष्य काल की है नहीं, एक समय की वर्तमान पर्याय जितनी है बस। और वे भी यदि ज्यादा ज्यादा गिनोगे तो 3, 5, 8, 9 इतनी सी पर्याय, 100% द्रव्य शुद्ध, 100% गुण शुद्ध, और केवल गिनती की 3, 4, 5, 8 मतलब जैसी तुम्हें गिनने हो, जिन्हें ज्यादा ज्यादा हो सो तो 8, 9 गिन लो, नहीं तो हमारे हिसाब से तो 2-3। जरा सिद्ध भगवान को रखो इधर और इधर अपने को रखो, रखो इधर कहा कहें पासन बराबर भी नहीं कह, जितने जी विकार होगी चर्चा हो रही है, ऐसी हो रही है, ऐसी फू कैसे उड़ जाए, बस पकड़िए मत, हम फूके ना जे पकड़िए नहीं, ये हमारी बुराई कर रही, ये हमारे नियमन की बातें कर रही, जी दोष हमें जी पंडित जी पता से जी कह रहे, ये से पकड़ के चेटो मत, ऐसे उड़ जाए फू, हाँ अपने 200 पर ताली बजाओ क्या कह रहे, हाँ मैं भगवान, गदगद हो जाना चाहिए, वो कोई भगवान कहने वाला है, ओ जिन शासन महाविस्मयकारी है जिन वचन, आहा दोस्त में दम का एक जरा से, हम फिर कह रहे भूतकाल का भाव कर्म आत्मा में कितने बताओ, वो अनंत भूतकाल का 1% सत्ता नहीं है वर्तमान, और भविष्य काल के उत्पन्न नहीं हुए। मैं जब से सोचता हूं तो अब का तुम काय को ध्यान करते, बोलो मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञायक हूं, मैं करता हूं, ये तो शब्द है भैया,
मेरे में आनंद गुण है, ये तो समझाने की सहेली थी भैया, मैं ऐसे हल्के होकर कुछ दिखाई नहीं रहा, कुछ लगा ही नहीं रहा, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। मैं तुम निर्विचार होने की चेष्टा नहीं कर और इन विचार कर करके ध्यान नहीं लगा, हमें ऐसे किसी महाराज जी अंतिम दिन की अंतिम भाषा कैसी बढ़िया लगे, ये भैया तुम सब भगवान हो, कारण परमात्मा हो, अरे तुम भगवान दिख रहे तुम सब, बोलो सब चेतन हो, चेत हो अपने वो, कैसी मधुर वाणी है दीदी। दिक्कत यह है कि हम सब मिलेच हो जाते ना, जिस सुनते सुनते इनमें तो बोरिया सी लग, ओ कह रहे भगवान आत्मा कह रहे, वो तो पुरानी बात हो, सिद्ध करो जब जाने, अरे सिद्ध करने के चक्कर मत पड़ो, सिद्ध अनुभव करो। आई बात समझ आ रही भैया, बिल्कुल सहजता का मार्ग, मैं सारे जगत को निर्दोष देखने पर तुम्हें आनंद होगा, और नहीं तो एक काम करो बैठ जाओ, तुम अखबार उठा गया देखो तुम्हें कितना संकलेश हो रहा है, जी मंत्री भी ऐसे ही है, और देखो जी भ्रष्ट, देखो जिन्होंने बलात्कार कर लो मुझे जेल में चले गए, हाँ जे भी मिलावट खो, अरे भैया तुम कायु तो क्यों हो रहे, मालूम है लोक में पापियों का होना भी योग्य ही है, क्या कह रहे क्यों परस्पर में दंड कौन देगा, दंड कौन देगा, कर्म के उदय में धर्मात्मा तो स्वभाव में मग्न होंगे, भी खागू को भी दंड देंगे, दंड देने वाले भी चाहिए, क्या करना नहीं उसे सोचे जरा, हमें तो दुनिया बहुत सुंदर दिखाई देती है, जरा सोचना शांति से, अभी समय हमारा वो विषय नहीं है, इसलिए हम कह रहे ब्रह्मचर्य माने आत्मा का आनंद। देखा भोजन करते समय ऐसा कोई भोजन हो सकता है जो सबको पसंद आ जाए, बताओ ऐसा कोई भोजन हो सकता है, गरीब के लाजे एक गरीब आदमी और रूखी रोटी और जरा सी चटनी दे दी, ऐसे अपने बुंदेलखंडी के ऐसे सिया के खाएगा, ए भाई क्या आज भैया बहुत पुण्य को होता है, आनंद आया, ये भरपेट रोटी खा ली बस नेक ठंडो पानी हो प्या कितना खुश हुआ, अब जय रोटी हजार पति ये दे तो बोलो करोड़पति के जो भोजन है बहुत बढ़िया, अब दे तो अच्छे हैं करोड़पति के, अरबपति को दे तो इसने मैंने दृष्टांत दिया, सुना विश्व में कोई सा भी भोजन खराब नहीं है, खराब नहीं है बस तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण नहीं है, तुम्हें दुखी होना होगा तो अच्छा भोजन भी खराब दिखाई देगा, क्या कहा असाता के उदय में अच्छा भोजन भी खराब दिखाई देता है, असाता के उदय में खराब भोजन मिलता है, अरे असाता के उदय हो तो जी प्रयोजन बोलो लगन लगन ले इतनी बैठे बैठे का है बता पंडित जी का खेस रहे का समझा रहे जेरी सुना कौन सी गाथा चल रही विशेष बुद्धि माने ऐसे दुखी हो जाएंगे, अरे अपना दोष निकाल ले भैया, जगत को दोष देना बंद करो, दोष देने की वृत्ति में आप देखो आपको बीमारियां हो रही हैं, आप देखते हो माता पिता टेंशन टेंशन में घुल के मर जाए, बच्चों की टेंशन में देखो जरा गौर से देखो, जब भी उनके पास जा भैया आप सब ठीक है, मोड़ा हिलने लग जाए मोड़ा हिलने लग जाए चौबीस घंटे दूरी, अरे भैया सुना संसार बहुत अच्छा चल रहा है, देखो थोड़ी बातें सुनने में तो अच्छी नहीं लगती लेकिन हम आपको समाधि मन की प्रसंग में ये बात कही है, देखो जो जो तुमको इष्ट है ना उनके वियोग की कल्पना करा, और यदि तुम्हें उसको कष्ट होता है तो जरूर अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करो, ध्यान रखना क्षोभसम से अज्ञान दूर नहीं होता, क्या कहा क्षोभसम से अज्ञान दूर नहीं होता, ध्यान से सुनना ही बात, बहुत क्षोभसम हो गया बहुत प्रवचन कर सकते हो बहुत याद हुआ आपको, लेकिन अमुक जाति का दुख अमुक जाति के अज्ञान के दूर होने से होता है, क्या कहा अमुक जाति का दुख दूर अमुक जाति के अज्ञान दूर होने पर होता है, समझ में आ रही कुछ क्या बोला आपने, मैंने आप जिस मामले में दुखी हो वो आपकी कमजोर नस है, आप उस समय ज्ञान करो करो, आप जैसे आपको ऐसा लगता है देखो हम सब सह सकते
लेकिन कोई हमें गाली दे तो नहीं सह सकता। सुनो, तुम्हारे ज्ञान ने पकड़ लिया, ये कमजोर नस है, इसे पक्का करो। सुनो, तब तक विज्ञान करो जब तक तुम्हारे अंदर से नहीं लिया। हाँ, अब कोई गाली देके देख ले, है कोई माई करा दुखी कर दे, देव गाली को दे रहे हो, देव हे भगवान आज आपका अनंत अनंत उपकार है, वेद विज्ञान के बल पे मैं आज इतना समर्थ हो गया। अब गालियां सुना मुझे छूती नहीं अत्यंत भाव, सुना गालियों का मैं ज्ञाता भी नहीं, सुना गालियां मेरे कर्म का उदय नहीं, परद्रव का परिणमन मात्र है। हा गालियां शब्दों की बगिना मात्र है, अरे रे, और सामने वाला भी उसका कर्ता दिखाई नहीं दे रहा, हमारे कर्म का उदय निमित्त मात्र है उसमें, वो भी निमित्त मात्र है। हा और सुना जिसने मुझे नहीं देखा वो गाली कैसे देगा, और जिसे गाली देता है वो मैं हूं नहीं। आ भगवान आपका अनंत उपकार है, यहां से निर्वार हो जाओ, अब यहां से प्रसन्न हो। नहीं तो मालूम जो गालियों से दुखी होते हैं, सुनना ध्यान से, जिनवाणी की शैली, जो गालियों से दुखी होती है गाली सुनने पर दुखी नहीं होते, ये 24 घंटा दुखी रहते हैं, उन्हें यही दहशत रहती है, दहशत कोई गाली ना दे दे, गाली ना दे दे, हमसे नहीं बर्दाश्त होगी, हम तो भड़क जाए, हम तो ऐसे कर दें, हम फटकार दें, हम तो बेरी बात की लड़ाई, लठम लठा लठम लठा, समझ गए, बेफिजूल दुखी, बेफिजूल मिथ्या दृष्टि मैंने फिजूल खर्ची, बेफिजूल दुखी। अब टटोल ले तुम, हमने तो कोई टोके नहीं, क्या कमाल है, तो नहीं ये तुम्हारी कमजोर नस है, यही तुम्हें ऐसा लगता था वहां भोजन में कोई रूगी रोटी दे दे सो तो चल जाए, लेकिन हरी मिर्ची जरूर चाहिए, वैसे वो कहीं नहीं चाहिए, बोले रूगी रोटी दे दे, इनको घी नहीं दे, लड्डू नहीं दे, पेड़ा नहीं दे, लेकिन एक हरी मिर्ची, सुनो ये हरी मिर्ची तुम्हारी कमजोर नस है, अज्ञान दूर करो, हरी मिर्ची की हम भूखता नहीं, हरी मिर्ची को हम छूते तक नहीं है, सुना हरी मिर्ची का परिणमन परद्रव का परिणमन है, सुना वो हमारे कर्म के उदय से मिलेगी, ये उपचार मात्र है, क्या कह रहे उपचार मात्र है, अगर यहां से वेद विज्ञान करो, अब ऐसी मजा आएगा, सामाई में हरी मिर्ची नाचेगी, अपन गायक होंगे, अपन हंस रहे होंगे, कैसे निरपेक्ष हो गए। हाँ, एक भगवान को दीन बना दिया हरी मिर्ची ने, एक हरी मिर्ची ने दीन बना दिया हरी राम, जैसे हमें अखबार की सल्ले देते ना, यहां से हरी मिर्ची वाले को हरी मिर्ची की सल्ले देते, नई जगह भोजन करके गए और संकोच हुए तो पहले से हरी मिर्ची का ध्यान शुरू हो जाए, अब क्या पता चलता हरी मिर्ची बनी हुई है कि नहीं, हम आई बेहती से भी तो समझाते हैं घर में, उन्हें मालूम है कि घी में तनक कड़ाइया में ऐसे तनक ऐसे कर देते, ऐसे नहीं तो तवा पे कर देते यहां से, और तनक से नमक जीरा भरक देते, बस हमें वो कच्छू नहीं चाहिए, बस जन्म जिंदगी की आदत है, बस और पहले से ध्यान शुरू, अब जैसी है ना खाने में वैसी मदद नहीं, क्या तो दाल में डाल दें कि कहीं बन जाएगी, कहीं चटनी बन जाएगी, कहीं कहीं, अब वैसी मिर्ची नहीं चाहिए, वो सेंगी हो ऐसे बीच में से दो कर दे, अब तना से घी डाल दो, दो बूंदा ऐसे वो तवा के ऊपर, तवा के ऊपर ऐसे सेंग पुराने जमाने वाले भंगूदर वाले वहां खोजते ही सब, बस हाँ मतलब हाय हाय एक परमात्मा हरी रे, मैंने ये दृष्टांत दे रहे हैं तुम्हें, और अब तुम कह रहे हैं हमें फिर हमें कुछ काम ही नहीं समझ में आ रहा, सुबह से शाम तक क्या करें, इतनी कमजोर ना से पढ़नी, तुम अज्ञान दूर तो करो, पॉइंट पकड़ में आ रहा, अज्ञान दूर करो, हो सकता है तुम्हें द्रगुण पर्याय मालूम है, हो सकता है तुम्हें छेद्रम मालूम है, तुम्हें सात तत्व मालूम है, तुम्हें चार अभाव मालूम है, तुम्हें गुणस्थान मालूम है, तुम्हें मारणा स्थान मालूम है, तुम सब कुछ पढ़ के तैसे होते हो जाओ, सुनो उसका नाम अज्ञान दूर होना नहीं है भाई, छेवसम ज्ञान को सम्य ज्ञान नहीं कहते, छेवसम ज्ञान को भी अज्ञान दूर होना नहीं कहते बेटे, आई बात समझ आ रही, उठ के मत जाऊंगी, बंद कर ली तुमने, कोई बात नहीं, सभी लोग सोच ले भाई जिनवाणी गादी में से उठाने का हूं जी, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज, तुम्हें लगता हुआ शायद कुछ घाटा हो जाए, मैं कह रहा हूं इससे बड़ा कुछ घाटा नहीं,
दिक्कत है कि ईर्ष की बात का जो घाटा होता है वो दिखाई नहीं देता। जिन विषयों के पीछे हम फोन उठाते हैं वो विषय भी नहीं मिलती, देख लेना, लिख लो ये बात। जिन विषयों के खातिर हम देश साथ गुरु की अवज्ञा करते हैं वे विषय भी नहीं मिलती, लिख लेना, कर लेना प्रैक्टिकल। पता नहीं लगता, वो दिखाई नहीं देता। आई समझ में बात? चलो अपन तो बाबा क्या कह रहे थे, अज्ञान समझ आया, कुछ अज्ञान पकड़ में है। देखो अभी हम में से बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है, अज्ञान दूर करने के लिए भी छायोपशम बढ़ाती है, लेकिन जैन धर्म में छायोपशम में अज्ञान दूर करने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। हाँ धन्य है वे शिवभूति मुनिराज जिनको नमोकार मंत्र याद नहीं होता था। छह धर्म के नाम याद होना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता के बारे में तर्क याद नहीं होते थे, लेकिन मस्त रह रहे थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने आत्मा का आनंद, उस आत्मा को अच्छे से अनुभवते थे समझ गए। जैसे छह महीने का बच्चा अपनी माता की गोद में जाते ही चुप हो जाता है, वो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। छह महीने का बच्चा व्याख्या नहीं कर सकता ये मेरी माँ है, वो अनुभवता है बस ऐसे। आह धन्य है वह पवित्र ज्ञान, धन्य है वो पवित्र ज्ञान जो आत्मा को आत्मा अनुभवता है। समझ आ रही भैया? और इसलिए पंडित साहब बहुत समझाते हैं, हमारे पास ज्ञान बढ़ा कि अज्ञान बढ़ा इसकी नाप कैसे करें? पंडित साहब ने एक बार कहा, ज्ञान बढ़ा कि अज्ञान बढ़ा हमें कैसे मालूम पड़े? कि यदि तुम्हें क्षोभसम ज्ञान बढ़े अज्ञान बढ़े, क्षोभसम ज्ञान होने अज्ञान कैसे मालूम पड़े हमें अज्ञान बढ़ा? तो समझो कि तुम्हारा मान बढ़ता चला जाए तो समझना कि अज्ञान बढ़ा। अपने गुरुजनों का उपकार भूल जाओ, अज्ञान बढ़ा। यही तुम्हें गुरुजनों की सेवा करने का भाव नहीं आता, हम भी कहा जाने और समझ लो अज्ञान बढ़ा, क्योंकि सम्यक ज्ञान बहुत सरस होता है। जहां दीन और पतितों को गले लगा सकता है वहां श्री गुरुओं के चरणों में नतमस्तक रहता है। पढ़ के देखो आप, प्रथमानी को पढ़ के देख लो, चरणानी को पढ़ के देख लो। अभी हम बहुत प्रसंग पढ़ रहे हैं अच्छे अच्छे, आप उन प्रसंगों में जाके देखो, वो बड़े नैसर्गिक है सामने। अज्ञान बढ़े क्यों? ज्ञान और मान 36 का आंकड़ा है, ज्ञान बढ़ेगा तो मान घटेगा। जैसे गिलास में दूध भरेंगे तो खालीपन खत्म होगा, हवा कम होगी। एक आया अभी प्रसंग पढ़ने में, शिक्षक ने कहा, टेस्ट लेते ना टेस्ट, एक सीसी दही या हवा निकालो। अब हवा निकाल रहे हैं, हवा निकाल रही नहीं, कैसे निकाल रहे? बहुत उपाय करे माने हवा निकाल रही है कि हवा ही नहीं निकल रही। दूसरा बालक बढ़ गया, समझदार था, उसने उसमें पानी भर दिया, पूरा भर दिया, हवा निकल गई। ऐसे तुम विकार निकालने के चक्कर में मत पड़ो, तुम विकार निकालने जाओ विकार कहूं नहीं निकलेंगे। तुम आत्मानंद भरो, मैं आत्मा हूं। और जो ऐसा जानते हैं मोक जा रहे, इसलिए मैं मोक जा रहा हूं, मोक जा रहा हूं। ऐसे आनंद करो, विकार निकलते चले जाएंगे। दिक्कत ध्यान रखना, जब भी आप गलत काम करती हो ना, उसके पहले एक गंदा विचार आता है, वो मोह का सूचना इंडिकेशन है। वो पहले अब देखो, अब अपना कैसे गुणा स्थान तो है नहीं, और अब तो अपन नए हैं, और जब अच्छे नहीं कर पा रहे तो अपन, अब तुम भगवान आप में कहां है तुम्हारे, बताओ कहां है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध, बताओ, उसकी सोच ही खत्म हो गई तुम्हारी। पहले तुमने मान लो हम मोड़ा है, हम लड़की है और हम गरीब हैं, और भी हम इंसल्ट कर, और भी हमें खा भी नहीं थे, भी हमें पी भी नहीं थे, और घर चले यहां से भी ऐसी है, और पोते ऐसी है, और खत्म। अरे जरा ये सोचो तो सही, एक काम करो, एक दुखद प्रश्न पत्र बनाओ, उसका उत्तर कलम देंगे फिर। क्या कह रहे? एक दुखद प्रश्न पत्र बनाओ, कौन कौन से दुख के पॉइंट्स हैं, अपन उसके उत्तर अच्छे खोजेंगे। देख लेना, आप आत्मा को सबसे पहले तिरस्कार करते हो, विकार विकृत परिणति वाला, यदि वो प्रसन्न नहीं है
बेकार की बात नहीं करते, ध्यान रखना। बेकार तो होते ही, उसमें क्या है, गुणस्थान प्रमाण बेकार होते हैं, लेकिन विकृत मनस्थिति वाला, विकृति में एकत्र करने वाला दुखी बना रहेगा। अब कौन है बता दे भैया, सांप के पांव सांप ही है दिखा। हरे राम राम। कम से कम ब्रह्मचारियों को मोक्ष देने से वहां से सोवा नहीं देती भाई। आत्मा रखो तो, स्थापना तो करो। इसलिए हमने कहा अज्ञान दूर कैसे होगा, पढ़ो ये 14 कलश में आई है चर्चा था। ओ उस ज्ञान को अधिक ज्ञान नहीं कहते, शिवसम ज्ञान हो गया। इसलिए पंडित साहब कहते हैं हमें तुम्हारी पंडिता ही नहीं करवा, नहीं तो 50 ग्रंथ पढ़ लो, 60 ग्रंथ पढ़ लो, और अभी तो अपने जी जिंदगी है पढ़ लो 2-5 साल 10 साल। अरे सही बताए, हमसे पूछो, सबसे पहला काम करो आत्मज्ञान, सबसे पहला काम करो सौजन्यता, सबसे पहला काम करो भैया वृत्ति, सबसे पहला काम करो दूध में शक्कर की तरह डाइल्यूट, सबसे पहले ऐसे लगे हम सब अखंड बहन है एक परिवार, सब भैया मोक्ष मार्ग एक परिवार, एक कोई का दुख हमारा दुख, किसी की प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता, तब तो आनंद आए। अब पढ़ो सही बात बताएं, शिवसम ज्ञान जब बढ़ता है तो डाइल्यूट नहीं हो पा रहे, धिक्कार है शिवसम ज्ञान को जो भावी से तो हम प्रेम नहीं हो पा रहे। बता, हमें ऐसा लगा, एक बार ने एक दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छा दृष्टांत था उसमें, एक छोटी सी झोपड़ी थी बिल्कुल, स्वामी गुरु जी जंगल में भाई सो जाते, अभी खूब पानी बरस रहा था, एक आदमी बेचारा ठिठोर रहा पानी भीग गया, माने दरवाजों का बैठा सुनने के आ जा दरवाजे खोला, और आधी रात के दो जने बैठ गए, जगह उतनी थी तो दो जने बैठ गए, थोड़ी देर में तीसरा आदमी आ रहा है, तीनों खड़े हो गए, जगह ही उतनी थी, तीनों खड़े आ रहा खूब अपने अपने, अब कुछ फालतू थे हरी हरी जो भी अपना नाम जप रहे और क्या करते हैं, तो तीन जने अपने मस्ती से धुन में गान लगी, और चौथे नंबर पे गधा आ गया। अरे बोले भैया देखो अपन तो समझदार प्राणी है, ये तो बेचारा जानवर है, चलो चलो इसको अंदर कर दे, अपन आराम से बाहर हो जाते, समझ आया। अब जी दृष्टांत सुनने में बेकार सा लगता हो, कहीं गधे के चक्कर में जी गधा बन गए। हो सकता तुम्हें ऐसा लगे, लेकिन उनसे तो पूछो, उन्हें वो भगवान आत्मा नजर आ रहा है, जो अपनी सुविधा भोगों को ही देखता है वो कैसा आत्मार्थी होगा। लेकिन पहला पॉइंट बोलो ये विषय सुख विरक्त, विषय सुख विरक्त, हम प्रवचन की याद से प्रवचन करते रहे हजारों बार, अकेले में ऐसी याद नहीं आती, दूसरे हमें अपने क्यों नहीं दिखते, दूसरे सुख सुविधा हमें अपनी सुख सुविधा क्यों नहीं लगती, और दूसरों के दुख हमें अपना दुख क्यों नहीं लगता। नहीं ऐसा कैसा शिवसम ज्ञान, क्या अब 10 ब्रह्मचारियों के लिए 10 कमरा चाहिए, कहे एक ही बाल्टी दूसरी नहीं ले सका, दूसरी बाल्टी तीसरी नहीं ले सका, बाको मग गपो नहीं ले सका, बाकी सामान को नहीं ले सका, ए अपनी अपनी तेज सामान में क्यों, ये भगवान। मैं तो दृष्टान दिया हुई है, ग्रस्त लोग शंका मत करिए। हम तो इसलिए खुल करके बोलते हैं, वो यहां से दिन कब आएंगे जब दूध में शक्कर की तरह घुल जाएंगे, खबर ही ना पड़े। अभी अभी ऐसा होता पंडित साहब, मैंने कहते थे देखो अभी यहाँ कोई कष्ट होता जैसे आज रात को, तो सबको क्या याद आएगी बता, जैसे आज भयंकर बहुत ही कीड़े हो जाए, बदबू के मारे सो नहीं पाए, और यहाँ खूब गर्मी पड़ जाए और बहुत ही तकलीफ हो जाए, तो सबको क्या याद आएगी रात में, बोलो बोलो। अरे बोलो है, अरे जैसे तो अपन घर ही चले जाते, कहां से आ गए घर में अच्छे थे अपन, जैसे तो घर ही चले जाए। सुनो आत्मार्थियों को ब्रह्मचर्य आश्रम कैसा होना चाहिए कि सारे हिंदुस्तान में कोई जीव कहीं दुखी हो जाए झटो से लगे चलो अपन तो अपने आश्रम चला, जी मूल का तो इधर है उधर नहीं है, जी राख का दुख इधर है उधर नहीं है, सुनो अविश्वास का दुख लोक में है इधर कोई दुख नहीं है, चलो चलो उधर चलो अपन आनंद करेंगे। सारे देश वालों को ऐसा लगना चाहिए अरे भैया
ईर्ष्या होना चाहिए, ईर्ष्या माने लौकिक भाषा में ईर्ष्या। देखो जी कितने आनंद कर रहे ब्रह्मचारी लोग, ऐसी मानो क्या लिखा है, ब्रह्मचारी बढ़नी जो प्रतिमाधारी होते हैं उन्हें देख करके क्या कहना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए इच्छाकार, एलक छुलक को देख कर कहना चाहिए इच्छामी। इच्छामी का मतलब इच्छाकार का मतलब ये कही होता है, लेकिन वो बढ़नी है तो उनको इच्छाकार कहते हैं। इच्छाकार का मतलब यही होता है इच्छामी, मतलब आपका जीवन देख के ऐसा लगता है कि हम आप जैसे परिणमित हो जाएं। जिसका सरल ट्रांसलेशन है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। आगे बात समझ में आई भैया, कभी नहीं सोचना हमारे भाई तीन साबुन है लगा ली, अरे एक दिन बिना धुली साबुन के पहन लेंगे हम, बहुत अच्छी लगेगी जैसा शर्ट का, जब ऐसी खुशबू आ रही होगी साधारण बात से लगी और ऐसी झकाझक कर लगी नील तीनों पाल और ऐसी कोई एरिया साबुन अरे झक, और फिर दूसरा कपड़ा है क्या कपड़ा पहने थे, अरे वाह अरे वाह, धिक्का रहे वो शिव संज्ञान और धिक्का रहे वो कपड़ा और धिक्का रहे वो रोटी और धिक्का रहे वो मिर्ची जो तुम्हें दूसरों से न्यारा देखने में आनंद देती है। अरे राम, हमारा सपना तो एक ही है, काश पूरे हिंदुस्तान में 200-500 हजार ब्रह्मचारी हुए, एक मोक्ष मार्ग हो, एक जैसे सील की नोवाड़ हो, एक जैसे डाइल्यूट हो। और हमें देखो एक दिन में चर्चा करूंगा कि पंडित जी एक बार बताओ भी अपने गुरु के ब्रह्मचारी नहीं हुए उनके संग का करें बता सुना तुम उनको इतना लाड़ प्यार करना कि तुम और भी मोक्ष ग्रुप के ही हो जाओ। अब हम तुम्हारे मोक्ष ग्रुप को नहीं मान रहे, ध्यान रखिए कहे तुम्हें जी लग रहे हमारे ग्रुप में आ जाए, हमारे ग्रुप में कहे जाए सिद्धों के ग्रुप में शामिल हो जाए भैया, हमारे ग्रुप में क्यों आए, ग्रुपिंग करना है क्या हमें। सुनो तोड़ने वाला टूटता है, ध्यान रखना भाई, हमने बहुत ग्रुप देखे हमें टूटते चले जा रहे, जितने ग्रुप बने हुए टूटते जा रहे, हमें तो ऐसा समुद्र बनना चाहिए सारी नदियां आकर अखंड हो जाए, क्या कह रहे सारी नदियां। हमारी ये सोच कभी नहीं होना चाहिए उनका ग्रुप और हमारा ग्रुप, हमारा कोई ग्रुप नहीं। सुनो जितने भी हो आके मिल जा, हमने तभी सबसे कहा था बेटे कोई भी ब्रह्मचारी भाई बहनों की इच्छा हो, कोई हो चाहे वे सोनगढ़ से रुचि नहीं रखते हो तो भी उन्हें जानने की जिज्ञासा हो तो जरूर आ जा, कोई टेंशन नहीं अपने, खूब वात्सल्य से रखेंगे, भोजन कराएंगे, खूब प्रेम से रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। और अभी भी हम कह रहे विश्व में हमने कभी किसी से पक्षपात नहीं किया, कोई आ जाओ। अब फल कहा मिलेगा भैया, ग्रुपिंग का फल अभिप्राय खराब है पाप बंद होगा, नहीं नहीं हम तो सब कुछ चाहते नहीं, हम अपनी मर्यादा में रहकर जितना कर सकते हैं हम पूरी भावनाएं भैया, समझ में आई भैया, ऐसे दूध में मिश्री की तरह घुल जाओ दूध कितना मीठा लगेगा मेरा, अब तो मैंने तेल में शक्कर की तरह घोला शक्कर न्यारी पड़ी रहे थे तेल न्यारा पड़ रहे थे और तेल भी अच्छा नहीं लग रहा हो आगे का कोई मतलब नहीं। आगे बात समझ में आई भैया, ब्रह्मचर्य खूब उत्कृष्ट दृष्टिकोण रखो, क्यों मोक्ष में जो सिद्ध भगवान रहते होंगे तो ऐसे रहते होंगे भैया ये सोनगढ़ ग्रुप के आ गए थे बिठा देने जग ग्रुप के आ गए, सब लोगों को बहुत अटपटा लगा था जब मैंने यहाँ पर एक दिन समाचार आया था कि विराग सागर जी का किडनैप हो गया और उनकी ऐसी तक भिलाई का कांड हुआ था, थोड़ा सा भिलाई में मैंने उपवास किया था उस दिन, जबकि दूसरे मंदिर में और सब थे, उन्हें सबने आहार चर्या करी और सब की, मैंने आहार नहीं किया था, पानी भी नहीं पिया उस दिन, तो सब लोग जी बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैं उनसे कहा मतलब बोलो सबको ऐसा लगा तुम्हें कहा मतलब उनसे मतलब कोई व्यक्ति होता है पता, पूरे हिंदुस्तान में एक समाचार प्रकाशित हुआ है टेलीविजन पर चल रहा है, हम तो कह रहे कल परसों आचार्य विद्यासागर जी का बिहार हो रहा था,
और मुस्लिमों ने उन पर पत्थर पटके जो जो कुछ करा, कोई घटना घटी मतलब, और दंगे हुए, फिर बाद में जैनों के बीच में और उनके बीच में, और दो जगह कर्फ्यू लगे 2-3 दिन से रायसेन वगैरह में। आज माइक हटाया, देखो क्या, अब पूरी पुलिस फोर्स लगी, सब व्यवस्थाएं लग रही, हमें तो पीड़ा होती, तुम्हें वो चाहना, आज भी मुनिराज है, कल हम मुनिराज नहीं है, फिर हमारा जैन शासन अखंड है भैया, इसमें ग्रुप नहीं है कचिन, जैन शासन अखंड है, ये उनकी ध्वजा हमारी ध्वजा अलग नहीं है, हमें तो पीड़ा होती है, पूरे हिंदुस्तान में जैन शासन की ध्वजा कहीं से भी कमजोर नहीं होनी चाहिए, समझ लेना भैया, हम जैन शासन के ग्रुप वाले हैं, जैन शासन बढ़ते बस, हमारा एक दृष्टांत देने मतलब है, अपन जब ऐसे नहीं सोचोगे तब तो बहुत गंदी सोच है, तो सुनो भैया, हमें तो खूब मिलते हैं ब्रह्मचारी, और हमारी खूब डाइल्यूट रेत, खूब हेल मेल से रेत, हम उन्हें अपने हाथों से आहार बना करा समय शिखर जी में, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, जो हमारे पास जो कुछ हो गिफ्ट हो तो गिफ्ट दे भी लाग, उनके लायक दे दें, ग्रंथ दे दें, जो अच्छा लगे हम देते हैं, मिलते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, बिल्कुल खुल्ला खुल्ला बात है, हम तो कह रहे क्या कहें भैया, पहले तुम उत्कृष्ट हो गए सोचो, ग्रुपिंग नहीं सोचो, पहले ये सोचो कि भगवान आत्मा है, आपके अच्छे व्यवहार से सर्वत्र कहेंगे जी सोनगढ़ी ब्रह्मचारी बहुत बढ़िया है भैया, देखो उन्हें सब पता थी, उन्हें कैसे आदर से भोजन कराओ, कैसे बढ़िया से चर्चा करी और कोई बुराई नहीं करी और उपेक्षा में मुंह नहीं फेरा, तब जाकर के कैसी प्रभावना होगी, बोला एक काम करो, थोड़ी बहुत नीति शास्त्र भी पढ़ो थोड़ा बहुत, मैंने आज राजा महाराजा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बस एक लिमिटेड सोच में सिमट गए और छठी हो गई और समाज खराब, दुनिया खराब, बेखराब, बेखराब, पंडित खराब, त्यागी खराब, सब खराब और हम बढ़ गया, आई बात है बिल्कुल, ये हल्की सोच नहीं रखना भैया, सब लोगों से कह रहे ये बात, अज्ञान मिटाओ, समझ गए भैया, पहले पढ़ाई कर करके ग्रंथों का भार मत बनाओ, अब हम एक बात कह रहे हैं, हमें अच्छी तरह से मालूम, देखो एक अंतिम बात कह के बात पूरी करें, हमें पता नहीं घड़ी वड़ी देखी नहीं हमें, नहीं तो मैं आंख उल्टा हो रही हुई, हमें तो कहा रात भर बैठे रहो सो भी कुछ नहीं हमें तो क्या तुम्हारे प्रवचन रुक भी जाते ना तुम्हारे चालू देता अंदर चालू अपना तो सेहत का धंधा है, देखो हमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, घर जैसे बैठते हैं खूब प्रेम से बैठते नहीं, सब टाइम हो गया, देखो बेटी ग्रंथों में लिखी है बात, शिव संज्ञान परिग्रह है, जिससे आप और परिग्रह का भार बनाते हो ना उससे अहंकार आता है और परिग्रह से बड़प्पन आता है, हमारे पास इतना है तुम क्या समझे, और तुम क्या जाना हमें 150 ग्रंथ पढ़ लिया बेटा, हम तुम्हारी तरह समझा नहीं पा रहे, जाकर मतलब जो नहीं तो हमें कच्चे समझो नहीं, तो ये अहंकार हो गया, सुन पहले नंबर भेद विज्ञान करो, हम वाणी के कर्ता नहीं और तुम भी वाणी के कर्ता नहीं हो, सुना एक बात सुनो ध्यान से, बहुत काम की बात, कोई कितना भी छोपसम ज्ञानी हो उसे छोपसम ज्ञान के बल पर बड़ा देखना उतना ही बड़ा पाप है, क्या कह रहे पाप है, क्या कह रहे उतना ही बड़ा पाप है, हा हा, जैसे परिग्रह से किसी को बड़ा देखना, अरे जो जाना दी अरहंतम जी क्यों नहीं का केवल ज्ञान से जाना, बोलो बोलो, केवली भगवान को भी केवल ज्ञान से जानने के लिए नहीं कहा, क्यों केवल ज्ञान से तुम उन्हें बड़ा देखोगे मिथ्यात हो जाएगा, मिथ्या ग्रंथ क्या मिथ्या शल है, सुना तो मैं किसी एक में भी ज्ञान कम नहीं है, क्योंकि हम शिव संज्ञान को ज्ञान ही नहीं कहते, समझ रहे कुछ भैया, अज्ञान दूर करो, छोर से बड़ा बड़ा करके सेली डेवलप करके इधर उधर अपने आप को कम मान रहे हो तुम, हम जी कह रहे क्या कह रहे अपने को कम मान रहे, अरे जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी आप में बड़ा नजर नहीं आता, कैसा सुंदर ज्ञान होगा, क्या कहा क्या कहा, पूरा बोलो अंतिम शब्द भजन रह गया, बोलो कौन बोलेगा भैया, बोल बेटा बोल, राकेश बोलो।
केवल ज्ञान हो गया तो भी आत्मा को उसके बल पर बढ़ाएंगे। और एक बात कह रहे हैं अंतिम बात जैसे उसी वजह से गारंटी दे रहे हैं वो। हाँ बहुत बढ़िया शाबाश बेटे टीकमगढ़ बहुत बढ़िया। वो ज्ञान कैसा सुंदर होगा जो केवल ज्ञान के बल पर भी बड़ा नहीं देखता, वो ज्ञान कितना सुंदर होगा। ये पकड़ने वाली बात थी। बहुत सुंदर बेटे बहुत बढ़िया बहुत प्यारा बच्चा है ये। अब यहां से तबीयत खुश जाती बस यहां से हीरा पूरे हिंदुस्तान फैल पड़े। हमें तो ये लग रही तुम घूम हमसे ही बताएं हमारी नजरों में मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूं और तुम नहीं घूम पाते तो मुझे ऐसा लगता है तुम जेल में रह कैसे लेते। मैं दो तीन कमरा जब भीगी हुई गलियां भीगी हुई 60 साल से वही घूम रहे थे ऐसे उधर भाई रोटी बनाई भाई पानी भरो भाई भाई फटकार लो भाई तुमने कपड़ा धो ले और भाई तुम कमावे चले गए डब्बा धरो ऐसा और वहां से लौट के घर आ गए बस 2 फुट पे बोलो। हमें तो ऐसा लगता है तुम कैसे रह ले। हमें तो सारे हिंदुस्तान में ऐसे प्यारे प्यारे जीव मिलते हैं जो कितना बढ़िया पकड़ा उसको ऐसे तबियत खुश हो गई। फिर से बोलो भैया मैं आनंद हो रहा सुन के ही आनंद हो रहा है। बोलो भैया ये कौन बेटा आकाश है कौन है बेटा। हाँ आकाश है बोलो बेटा। केवल ज्ञान से भी जो बड़ा नहीं देखते होंगे वो ज्ञान कितना सुंदर होगा। हाँ धिक्कार हो अपने हम अपने शिव सब से अपने बड़ा देख रहे थे दूसरे को भी बड़ा मत देखो। हाँ जब हम अनंत भगवान को 13 गुणस्थान से बड़ा नहीं देख रहे तो तुम हमें इस पंडिताई से बड़ा क्यों देख रहे हो। और तुम अपने आप को फिर दीन देखोगे तो माया शल्य होगी बस फिर मिथ्या शल्य हो गई और फिर भावनाएं होने लगी एक दिन हम भी पंडित जी जैसे प्रवचन करेंगे एक दिन हम भी पंडित जी जैसे प्रवचन करेंगे। देख लियो हमने कमर कस लाई उनके पूरे दस्तावेज लिख लाए उनकी और उन जैसी शैली सीख लाई और उन जैसी थाली धोके पी लाई बस अब देख ली प्रवचन पक्को मारे बात कौन सी शल्य निदान शल्य। मैंने एक बार पूछी थी पूछते रहते हैं बैठे बैठे एक ही काम हो तो कोई काम है नहीं हमने ये बता तुम्हें क्या करना बस आप जैसा प्रवचनकार बनना है। मैंने भगवान बनने निकले थे सुमत प्रकाश मैंने क्या कमाल हो गया भगवान बनने निकले थे और सामने सुमत प्रकाश दिखे तो भूल ही गए अब बस क्या लगना यहां से थाली धोने यहां से सिर मुंडा लें और यहां से धोती पहन लें सामयिक करेंगे। तो आत्मानंद तो खो ही गया वो ब्रह्मचर्य तो खो ही गया वो जिस आत्मानंद के लिए निकले थे और जिस तुमने परिग्रह का वो ही ढोल गया अब खूब पट डाला रट डाला क्रिया कर डाली अब भी संभलती है नहीं बिचारी क्यों अंतर का खेल अलग है ऊपर का खेल अलग है सो वो संभलती कुछ है। सुनो ये है शल्य शल्य माने पीड़ा 3 शल्य का वर्णन चल रहा ध्यान रखना यह पीड़ा ब्रह्मचारी को पीड़ा नहीं होती और पीड़ित ब्रह्मचारी नहीं होता। क्या कह गए भैया सुन रहे बेटा देखिए नींद तो नहीं आ रही समझ आ रही भैया पीछे पीछे हम पता नहीं अंधेरे में बस चल विचार करना है अज्ञान शुभ संज्ञान ज्ञान परिग्रह ये सब समझो इन शब्द लिखे हैं सब इनके भाव पकड़ो। ये तो श्री गुरु की कृपा है पंडित साहब की कृपा है इस जन्म में उनके नहीं मिलते तो हमें तो पता नहीं कुछ मिलता ही नहीं। आज उनसे ही सब एक एक शब्द पकड़ते थोड़े थोड़े तो कुछ कहने की कोशिश करिए। ये तो जिंदगी में पहली बार हमने आप स्वतंत्र गोष्ठी की इस गोष्ठी के नाम पर नहीं तो कायदे से तो उनके चरणों में बैठकर अपन सबको सीखना चाहिए। हम फिर कह रहे भैया जी ऊपर ऊपर की बात है मत गिनो पत्ता मत देखो पंडित साहब को हृदय को देखो जहां से अमृत झर रहा है अमृत झर रहा है क्या बताएं। ये तो अपने पाप का उदय है कि कुछ योग ठीक नहीं बैठ रहा नहीं तो उनका तो अमृत झर रहा है। जितनी जल्दी उनका रिवर्स गियर होता है रिकवरी होती है वो कोई अद्भुत है। अपन पास में भी नहीं आते उनके यहां से समझो आई बात समझ में भैया। इसलिए छोपसम ज्ञान बढ़ाने आज प्रश्न पूछा था हमें तो पढ़ने की बड़ी चिंता हो रही हमें तो पढ़ने की बड़ी चिंता हो रही हम कब पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे कहां करेंगे हमारे जा रहे पहले तत्व ज्ञान सीखो पहले आत्मज्ञान सीखो। हम मैं कह दिया डायल्यूट होना सीख जाओ बह्य वृत्ति सीख जाओ और जे सब हमारे हम सब इनकी पहले जे सीख जाओ इसके बाद पढ़ आ जाओ। भले हमने 2 भाइयों को जयपुर भेजा बोलो हमने क्या क्या शिक्षा दी ढेरों शिक्षाएं दी
बेटा तुम इसके लिए नहीं निकले जी ध्यान रखना, ठीक है अभी तुम थोड़े दिन पढ़ लो, हम नहीं पढ़ा पा रहे इसलिए तुम पढ़ लो, इसलिए भेजा है, इसके लिए नहीं भेजा बेटा कि तुम और ये करना, बस जी करो जो अभी बता दिए। आई बात समझ में आई भैया? और हमारे दिमाग में सब है भैया, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रैक्टिकल कराना है, कैसे अपना विद्यालय बनाना है, तैयारी होगा, सब दिमाग में है भैया। यदि आप सबका सहयोग होगा तो आप सबका हित होगा, फिर एक पूरे हिंदुस्तान उस ब्रह्मचारी विद्यालय में आकर अपने जीवन को उत्थान को प्राप्त हो सकता है। और नहीं तो चल रहे हैं सबके, चल तो रहे ही है, नहीं चल रहे ऐसी बात तो है नहीं, अपना एक आदर्श हो, लेकिन उसमें पहला आदर्श ये हो कि कोई किसी को बुरा ना लगे, सबके लिए अपने प्राण देने तैयार खड़े रहो, ऐसी बात हो। हमारा मतलब ऐसा है, हमें संकेलने नहीं पड़े, हमें तो जो लगे ए हमारी साबुन ले ली, तुम अपनी साबुन फिर लगा ली, हमारी लगा ली, अब यहां से लगे हमारी साबुन दिख नहीं जानी, तो इधर सटा दी, इधर सरक दी, नहीं को उठा के हाथ धो ले वो यार। ये जी क्या समझ आया, मैंने एक दृष्टांत दिए तुमने, आज हमारा भोजन ग्रहण कर लियो, पुराने जमाने ऐसा था अपन टिफिन ले जाते थे, सुबह लोग ही कहते थे अरे पंडित जी अब हमारे तक कभी आ गए, आप घर को तो रोजी खाओ, तुम्हारा हम खा लेंगे लिया और रोटी खाओ आज ही आप, तो यहां से प्रेम होता है भैया। आई बात समझ में भैया, सभी लोगों से कह रहे खूब प्रेम से समझो बेटा, जैन शासन क्या कहें, चलती फिरती ध्वजा हो तुम सब, जैन शासन के गुलाब के फूल हो, सुगंध तुमसे फैलने हैं, जैन शासन तुमसे टिकना है, कल हम नहीं होंगे, कल तुमसे एक नई पीढ़ी जन्मेगी, फिर उनसे एक नई पीढ़ी जन्मेगी, आज हम आचार्य कुनकुन का नाम लेते हैं, आज पंडित साहब का नाम लेते हैं, स्वामी जी का नाम लेते हैं, तुम इतने महान बनो कि सारी दुनिया कहेगी भैया जी उनकी संतान है, ये उनके युग में जन्मे हैं, ये उनसे पढ़े हैं। जैसे आज बच्चे हमसे कहते हैं पंडित जी आपने देखा है स्वामी जी को, पंडित जी आप गए थे स्वामीगढ़, तो ऐसी कोई पीढ़ी तुम्हें देख के कहे, कहे तुमने देखा है अमित जी को, कहे तुमने देखा है राकेश जी को, कहे तुमने देखा है हिमांशु को, दुनिया ऐसे याद करे तो फायदा है, आए वो मट्टी की तरह जीके चले गए, न कोई जानत न चीनत हो ये कोई, अंदर में भी खूब प्रभाव ना करो, नहीं हम गलत कह रहे, अंतर में खूब आराधना करो और बाहर में ऑटोमेटिक प्रभाव ना हो जाए, समय बहुत हो गया। ओम नमः शिवाय।